कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या करते हैं कि कोई भी दो पर्सन हो, कोई भी दो थिंग्स हो, उन सभी का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पेज नंबर 153 पर गिवन है कि हिना इज 2 times टेलर देन अमीर एंड अमीर साइट इज 1/2 ऑफ हिनाज हाइट। दो तरह से आप उस सेंटेंस को लिख सकते हो, या तो हिना की हाइट है वो अमीर की हाइट से डबल है, ओके, 2 times टेलर देन अमीर। एंड दूसरा क्या लिख सकते हो कि अमीर की हाइट है वो हिना की हाइट से क्या है, हाफ, यानी कि आधी है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया है, दोनों का कंपैरिजन किया है, दोनों की हाइट का, कि इसकी हाइट इतनी है एंड अमीर की हाइट इतनी है, इस तरह से। वैसे ही सेकेंड कंपैरिजन क्या है कि रीटा है 3/2 times द मार्बल्स दैट अमीर हैज। रीटा के पास कितनी मार्बल्स है, अमीर के पास जितनी मार्बल्स है उसके 3/2 times, यानी कि 1.5 उससे ज़्यादा है। एंड अगर उसका रिवर्स लिखना है तो अमीर हैज 2/3 part ऑफ व्हाट रीटा हैज। अगर रीटा उसका रिवर्स लगना है तो रीटा के पास जितना भी पार्ट है उसका 2/3 part किसके पास है, अमित के पास। अब उसमें किस तरह से, आप जब छोटे स्टैंडर्ड में थे तब टोटल कितने पार्ट है, 3 part है, ओके। तो उसमें से 2 part हम निकाल लेंगे। तो ये इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते थे हम, 2/3, ओके, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ पर 3/2 है एंड 2/3 दोनों का एडिशन कर देंगे, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा, 6, 2 times 2, 3 times 6 एंड 3 times 3, 3 times 9 प्लस यहाँ पर 4 एंड 6, 13/6, ओके। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, यानी कि दोनों की कंपैरिजन करनी है, कोई भी दो थिंग्स पर्सन हो उन सभी की। ओके, वैसे ही नीचे स्पीड गिवन है, जो चित्ता है उसकी स्पीड क्या है, 120 किमी पर आवर एंड मैन है उसकी स्पीड है 20 किमी पर आवर। तो उस सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द चीताज इज 6 times द स्पीड ऑफ द मैन, ओके। मैन की स्पीड है उसके 6 times किसकी स्पीड है, चीता की। रिवर्स भी लिख सकते हो, 1/6 उस तरह से लिख सकते हो। एंड इसमें दूसरा क्या आपको ध्यान में रखना है, रेशियो। तो रेशियो किसे कहते हैं, दो जो भी दो हमने ली थी थिंग्स या कोई भी जो भी हमें सम में गिवन हुआ उसका कंपैरिजन करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह से गिवन है, एंड आप ऑलरेडी आई थिंक पढ़ चुके होंगे स्टैंडर्ड 6 में 150 जो ये साइन है उसको क्या कहते हैं, रेशियो 75, ओके। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके फ्रैक्शन निकालेंगे, ओके। 25 का टेबल अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 25 कैंसल एंड 3 times 6, तो 2 times 1 या 2:1 उस तरह से भी आप कह सकते हो, ओके। एग्जाम ऐसे इजी है, ये ऐसा हार्ड नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में मैं क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किमी
300 मीटर। ओके, रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पर जो यूनिट है वो अलग अलग है, एक किलोमीटर में गिवन है तो दूसरा मीटर में है, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पर 3 किलोमीटर है एंड दूसरा क्या है 300 मीटर, तो जो 3 किलोमीटर है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 किलोमीटर यानी कि 1 किमी इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 3000 मीटर। एंड रेशियो इसके साथ फाइंड करना है, तो 3000 मीटर डिवाइड बाय 300 मीटर, 0 0 कैंसल एंड 3 10 13। ओके, इस तरह से कट होगा 3 10 13, तो 10 by 1। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचता है तो हम उसको क्या कहते हैं 1, तो इसका रेशियो हमें क्या मिलेगा 10 meter 10:1। ओके, वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 3 भी कैंसिल नहीं कर सकते, कई स्टूडेंट कैसा करेंगे कि 3000 है तो ये दोनों जीरो उठ गए, यार 3 3 कैंसिल, आंसर क्या हो गया 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ओके, अभी तो आप स्टैंडर्ड 7 में आ गए तो ऐसी गलती नहीं करोगे, पर जब छोटे स्टैंडर्ड में है तो सब कैंसिल कर देते इस तरह से। फिर एग्जांपल नंबर 2 है इक्विवेलेंट रेशियो। आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। यहाँ पर 2 रेशियो हमें गिवन है एंड हमें क्या फाइंड करना है कि वो दोनों रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, फर्स्ट है 1:2 एंड सेकेंड है 2:3। तो फर्स्ट यहाँ पर जो रेशियो गिवन है वो किस में है, स्मॉल में, प्राइम नंबर है आई थिंक। ओके, प्राइम नंबर है यानी कि अब इससे इसके फैक्टर आगे नहीं निकलेंगे एंड यहाँ पर भी सेम ही है 2:3 है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, इक्विवेलेंट यानी कि दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे उस तरह से। तो अगर इक्वल करना है तो जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम बना देंगे, तो अगर सेम आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि सेम है, अगर नहीं आ रहा है तो पता चल जाएगा कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है, तो इक्वल बनाना है हमें डिनोमिनेटर, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 2 से, तो 2 3 जा एंड 1 3 जा 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6। वैसे ही यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर 2 से किया तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अब यहाँ पर क्या मिला हमें 3 3 by 6 एंड यहाँ पर 4 by 6, तो 3 by 6 does not equal to 4 by 6, यहाँ पर हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, यानी कि ये दो जो रेशियो है वो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, बुक में अच्छे से लिखा है, मैंने डायरेक्टली समझा दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसमें। ओके, 3 by 6 है वो स्मॉल होगा एंड 4 by 6 है वो बड़ा होगा उससे। ओके, एग्जांपल नंबर 3 अब। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड, फर्स्ट है लास्ट ईयर एंड उसके बाद है दिस ईयर। अब उसमें क्या फाइंड करना, इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर,
कौन से ईयर में अच्छा रिकॉर्ड है? ओके, मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखता हूँ। हमने टू ईयर का गिवन है, पिछले साल का एंड इस साल का है, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है कि किसमें साल में अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। तो फर्स्ट है लास्ट ईयर, तो उसका हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा। इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, दूसरा इस ईयर इस साल का है उसका भी रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो 8 / 2 था, तो 8/2, 2 / 4 = 8, तो 4:1 है इन दिस ईयर। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि 4 मैच वो विन करते हैं तो वो 1 मैच लूज करते हैं सामने। एंड इस साल का रेशियो हम फाइंड करेंगे तो वो क्या है, 2:4, 4/2, 2 = 4, तो 2:1 है। यानी कि 2 मैच विन करते और 1 मैच लूज कर लेते, लूज हो जाते हैं। ओके, तो कौन सा होगा? ऑब्वियसली किसका आंसर आएगा, कौन ग्रेटर है? 4:2 > 2:1, ओके, वो उससे बड़ा होगा। हाउ कैन यू से सो? ओके, हेंस वी कैन से दैट द टर्म परफॉर्मेंस बेटर लास्ट ईयर। ओके, किस तरह से हमने आंसर निकाला, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस थी जो क्रिकेट मैच में, वो क्या थी, अच्छी थी। इस साल में इतनी अच्छी नहीं है कि 2 मैच विन करते तो तीसरी मैच वो हार जाते हैं, जबकि लास्ट ईयर में रेशियो क्या था कि 4 मैच जीतते थे और 1 मैच हारते थे, तो वो रेशियो अच्छा था इससे। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ओके, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करनी है। रेशियो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 6 में। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 4, अ मैप इज गिवन विच अ स्केल ऑफ 2 cm इज इक्वल टू 1000 किमी, वॉट इज द अक्यूटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस इन किमीज इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 cm। ओके, यहाँ पर एक मैप गिवन है। अब मैप में हमें जो स्केल है वो भी गिवन है कि स्केल कितना है, 2 सेमी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज आप आई थिंक स्टैंडर्ड 4 से करते आते हैं। उसमें क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसमें इतना होता है तो इसमें कितना होगा, उस तरह से हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, स्केल गिवन है कि 2 सेमी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो डायरेक्टली कंपेरिजन कर सकते हैं, 2 cm इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, 2.5 cm होगा तो वो कितने सेंटीमीटर होगा, सॉरी कितने किलोमीटर होगा, 2.5 cm इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। अब सिंपली क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, 1000 × 2.5, आई थिंक आपने ये सब किया होगा कि इस तरह से कंपेरिजन करते, 2 cm में इतना है तो 2.5 cm में कितना होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये चला जाएगा डिनोमीटर में। ओके, अब यहाँ पर 2.5 है तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 10 एंड 0 विल बी कैंसल एंड 50 × 2 = 100, 50 × 25 इज इक्वल टू 1250 किलोमीटर।
ओके, यही हमारा आंसर होगा। 25 5 125 एंड 0 एज इट इज हम रख देंगे। ओके, मैंने इस तरह से फाइंड किया है। अब बुक में कौन से मेथड है? बुक में टू टाइप्स से गिवन है कि अरुण डज इट लाइक दिस। अरुण ने क्या किया, फर्स्ट लेट डिस्टेंस एक्स, उसने एक्स ले लिया है डिस्टेंस को, फिर उसने दो रेशियो बनाए हैं। ओके, फर्स्ट क्या किया है, 1000 रेशियो एक्स, यानी कि उसने जो किमी वाला था उसका एक रेशियो बनाया एंड जो सेंटीमीटर वाला था उसका एक रेशियो बनाया। ओके, 1000 किमी उसको पता था तो उसका उसने एज रख दिया, एंड दूसरा फाइंड करना था तो उसको एक्स ले लिया, एंड ये भी पता था 2 सेंटीमीटर है, दूसरा 2.5 है, फिर उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड सोल्व किया। वो वाली मेथड भी राइट है। ओके, अगर वो वाली आपको इजी लग रही है तो आप उससे कर सकते हो, ये वाली जनरल है। ओके, मैंने जो अभी कराई है उस मेथड से भी आप कर सकते हो। सेकेंड मीरा की मेथड है, उसने क्या किया, 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किमी, सो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1000 बाई 2, उसने 1 सेमी में कन्वर्ट किया, फिर वैसे ही 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1000 बाई 2, वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, मीरा वाली है। ये वाली मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो ये वाली है अरुण की वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर थर्ड वाली भी आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो। कोई भी मेथड से आंसर फाइंड कर लो, आपका आंसर आपको मार्क पूरे ही मिलेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि फिक्स यही मेथड से आंसर फाइंड करना है। ओके, एग्जांपल नंबर 4 में सभी को क्लियर है ना? ओके, किसी को डाउट नहीं है। एग्जांपल नंबर 5, उसने 6 बॉल्स कॉस्ट 90 रुपीज, वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। ओके, बाउल्स है, बॉल्स नहीं है। 6 बाउल्स के प्राइस हमें गिवन है 90 रुपीज, तो 10 बाउल्स की प्राइस क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। इजी, क्या करना है, कंपैरिजन। अगर 6 बाउल की प्राइस इतनी है, 90 है, तो 10 बाउल्स की कितनी होगी, यही मेथड से हम उसको सॉल्व कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बाउल्स एंड यहां पर रुकेंगे रुपीज। ओके, कितने रुपए का है, तो हमें क्या गिवन है, 6 बाउल्स, 6 बाउल की प्राइस हमें गिवन है 90 रुपीज। फाइंड क्या करना है, 10 बाउल्स की प्राइस कितनी होगी, सिंपली क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 × 10 डिवाइड बाय 6। ओके, 6 का टेबल आपको आता है पर उससे भी आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 6 × 1 = 6 एंड 6 × 5 = 13, यानी 150 रुपीज आंसर होगा। ओके, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं हो रहा है आपसे, तो सिंपली रफ में क्या करना है, 90 × 10 यानी 900 / 6 / 6, 6 × 1 = 6, यहाँ पर आएगा 3 एंड 6 × 5 आपको पता है क्या होगा, 13, 0 रिमेनिंग है तो 6 × 0 = 0। ओके, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, तो 150 हमारा आंसर होगा। कितने रुपये होंगे 10 बाउल्स के, 150। ओके, अब एग्जाम्पल सभी सोल्व हो गए हैं, अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज। कॉन्सेप्ट जो था बेसिक वो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली यही मेथड को यूज़ करोगे तो भी हो जाएगा। एंड स्टार्टिंग में मैंने जो बताया, अगर दो अलग अलग यूनिट्स में हमें गिवन है, यहाँ पर किलोमीटर है या मीटर है, तो कोई भी वन यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है एंड उसका कंपेरिजन करना है। ओके, तो एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 8.1, उसमें फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है कुछ सम समय गिवन है उसमें। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 बाकी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 हमने सोल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 6 है द कार दैट आई ओ वन कार गोट 150 किमी विच विथ 25 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कार इट गो विथ 30 लीटर पेट्रोल। ओके, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कंपैरिजन। अब कार है उसमें हमें बताया है कि 25 लीटर पेट्रोल अगर कार में होगा तो वो 150 मीटर तक 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी कार में 30 लीटर पेट्रोल होता तो वो कितने डिस्टेंस कवर करता। ओके, तो सिंपली हम जो करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, बुक में जो मेथड गिवन है अगर वो आपको आती है तो वो कर लो, अदरवाइज जो मैं करा रहा हूँ अभी वही मेथड से सोल्व कर दो। हमें कौन कौन सी क्वांटिटी कंपैरिजन गिवन है यहाँ पर, लीटर वाली है तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर पेट्रोल, एंड यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। ओके, अब फर्स्ट क्या था कि कार में कितने लीटर पेट्रोल था, 25 लीटर। ओके, तो जैसे डिस्टेंस कितना कवर करती थी कार, 150 किलोमीटर, एंड अब कार में कितना है, 30 लीटर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 150 इंटू 30 डिवाइड बाई 25। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर एंड ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 25 का टेबल आप सभी को पता है, 25 सिक्स जा क्या होगा 150, एंड 3 सिक्स जा 80 एंड 0 एज इट इज, तो 180 किलोमीटर हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सभी एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सोल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 8.1 उसके पहले। ओके, जय। चैप्टर 7 है वो सेम 1 का है, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो सेम 2 के जितने भी चैप्टर हैं ना वो हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर 7 लेंगे। ओके, चैप्टर 8 हमारा अभी स्टार्ट किया है, सेम 2 के जितने भी चैप्टर है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद चैप्टर 7 हम लेंगे। ओके, अभी सेम 2 पढ़ो सब। पुनिया, ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट सम है फाइंड द रेशियो, फर्स्ट का ए पार्ट है 5 रुपीज़ टू 50 पैसा, 50 पैसे है।
तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता हो तो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100 पैसा। ओके, अगर नहीं पता किसी को तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा ऐसा होता है। तो 5 रुपी इज इक्वल टू कितने हो गए, 500। अब दोनों 1 यूनिट में आ गए, तो 500 डिवाइड बाय 50, 0 0 विल बी कैंसल एंड 5 10 50। तो 10:1, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 10:1। सेकेंड है बी पार्ट, यहाँ पर है 50 kg, 15 kg टू 120 ग्राम। ओके, इसका आंसर जिसको भी पता है वो सिर्फ राइज एंड कर दो, तो मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये। ओके, केजी वाला मैंने एक ऑलरेडी सोल्व कराया है, 4 स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, 5 6 स्टूडेंट, 7 नंबर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट के। पुनिया का आंसर भी आ गया राइट है। ओके, आर्यन आंसर बताओ। रेशियो 7 उस तरह से आएगा आंसर। ओके राइट, 500 7 50 7। ओके, मैं करा देता हूँ, चलो देख लेना। 50 kg है तो फर्स्ट हम उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, किलोग्राम में, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 50,000 ग्राम होगा। ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1,000 ग्राम, तो 50 kg इज इक्वल टू 50,000 ग्राम। अब डायरेक्टली हम इसका रेशियो निकालेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 210, 0 0 विल बी कैंसल एंड यहाँ पर 7 3 21, एंड इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 500 × 3। ओके, 5 3 50 एंड 20 एज इट इज, 3 3 विल बी कैंसल। अब 7 है वो प्राइम नंबर है एंड इससे पूरा कट नहीं हो रहा है, तो लास्ट क्या बच रहा है, 500 / 7। तो रेशियो क्या मिला हमें, 500 / 7। ओके, यही हमारा आंसर होगा उसमें। अब सी पार्ट है, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ओके, ये भी काफी इजी है। ओके, आंसर नहीं बताना है, ये वाला होमवर्क में कर लेना, सब सी वाला है वो सब आपको क्या करना है होमवर्क में, सभी को आना ही चाहिए ये वाला। तो डी वाला है वो मैं कराता हूँ, चलो डी में है 30 डेज, क्योंकि अगर ये वाला सम आपको नहीं आता है तो फिर चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 30 डेज टू 36
आवर्स। ओके, यहाँ पर क्या करना है मैं एक बार समझा देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो। 9 मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, एंड फिर कैंसिल आउट कर दोगे तो जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 30 days to 36 hours, तो फर्स्ट 1 day इज इक्वल टू 24 hours, हमें डेज को क्या करना पड़ेगा आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 day इज इक्वल टू 24 hours, तो 30 days इक्वल टू कितने हो गए 24 into 3 72 0, ओके 720 यही होगा, इतने आवर्स हो गए, 30 days इज इक्वल टू 720 hours। ओके, तो रेशियो फाइंड करना है हमें, तो 720 divided by 36, 36 का टेबल अगर आपको आता है तो 36 टू जा कितने होते हैं 72। ओके, तो 20 by 1 इज इक्वल टू 20:1, ये हमारा आंसर होगा 20:1। अब सेकेंड समय, सेकेंड में क्या है, इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 computers फॉर एवरी 6 students, हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 students। अब यहाँ पर कंपैरिजन किसका है, स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर का। अगर 6 स्टूडेंट है क्लासरूम में, 6 स्टूडेंट है तो 3 computer हमें चाहिए। अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है, 24 स्टूडेंट है तो हमें कितने कंप्यूटर चाहिए, तो सिंपली हम जो कंपैरिजन करते थे वैसे ही कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर एक साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, दूसरी साइड लिखेंगे कंप्यूटर्स। ओके, स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर, अगर 6 स्टूडेंट हो गए तो कंप्यूटर हमें चाहिए 3, अगर 24 स्टूडेंट